बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया इंसान इस दुनिया में छोटे बड़े सफ़र करता रहता है कभी मशी से मगरब की तरफ मग़रब से शुमाल की तरफ शुमाल से जुनूब की तरफ ज़मीन से आसमान की तरफ आसमान से ज़मीन की तरफ गोया के हर वक्त इंसान सफ़र में है छोटे छोटे सफर तो घरों में भी करता है बेडरूम से उठ के ड्राइंग रूम में आता है ड्राइंग रूम से उसके उठ के जो वाशरूम जाता है बाशरूम से उठ के किचन की तरफ जाता है तो घर के अंदर हर वक्त सफर में है तो इंसान सफर से निकल नहीं सकता हर वक्त सफ़र में है और ख़ुद इंसान को अल्लाह तबारक व ताल मुसाफिर बनाया है इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वल्बाद फरमाते कौन फिर दुनिया का अन्ना का गरीब एबिन उमर दुनिया में तू यूं रह जैसे कि राह चलता मुसाफिर होता है और सबील या राह चलता मुसाफिर कि दुनिया में तू मुसाफिर की तरह रहे देखो मुसाफिर दो तरह का है एक मुसाफिर वो है कि किसी मुकाम पर ठहर गया है लेकिन चंद लम्हों के लिए ठहरा है एक घंटे दो घंटे के लिए या एक दिन दो दिन के लिए और शरी नुक्ता नजर से मुसाफिर देखें तो चौदह दिन के लिए जो ठहरा वो भी मुसाफिर ही है हाँ पंद्रह दिन का होगा तो अब यह मुकीम बनेगा एक ये मुसाफिर है और एक वो मुसाफिर जो राह में चल रहा है उसकी गाड़ी चल रही है अपने घोड़े पर सवार सफ़र की तरफ को है कि वो डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है अपनी कार में बैठा सफ़र कर रहा है अपने हवाई जहाज में बैठे जा रहा है तो दो नौतें मुसाफिर की नबी करीम सल वसम ने फरमाया कौन फिर दुनिया का अन्ना का ग़रीब तो दुनिया में ऐसे रहे जैसे मुसाफिर रहता है यानी वो मुसाफिर जो किसी ठिकाने पर है तो लेकिन जो किसी ठिकाने पर मुसाफिर है वो वहाँ भी दुनिया की ज़्यादा सामान बखेड़ इकट्ठे नहीं करता वो तो सोच यार दो दिन का क्याम है उसके बाद आगे जाना है किसी मोटल में ठहरा किसी होटल में ठहरा कहा कि चलो यार होटल में दो दिन ठहरे फिर आगे जाना है तो एक मुख्तसर सा बैग ले कर साथ चलता है ज़्यादा सामान नहीं रखता एक आबिरी सबील जो रास्ते में चल रहा है वो चलने वाला तो पहले वाले से ज़्यादा कम सामान होता है क्योंकि वह तो सवारी में तो फरमा दिया कि या तो पहले जैसा मुसाफिर बन के रहे या दूसरे जैसा जो राह गुजर है राही ऐसा मुसाफिर बन के रहे क्योंकि ये दुनिया सफर का नाम है क्योंकि मंजिल कुछ और है मंजिल ये नहीं है तो गोया कि दुनिया में छोटे छोटे हम सफर करते हैं और बड़े सफर भी करते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ एक सूबे से दूसरे सूबे की तरफ बड़े बड़े सफर देखिए सारे के सारे सफरों का एंड एक ही मुकाम और वह आखरत है ये सब आखिरत पर जाकर कर मुंतई हो जाते हैं जैसे सारी दुनिया के दरिया समंदर में जा गिरते हैं समंदर किसी चीज़ में नहीं गिरता बस गोया कि ये सारे सफ़र जो है वह आखरत के समंदर में जा के गिरते हैं और आखिरत ही असल ठिकाना है